हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल सिंह लाइव। और आज मैं काफ़ी दिन बाद आया हूँ आपके सामने। आपके सामने ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आया हूँ, और ये है हेडन BK105 प्रोफेशनल डायनेमिक माइक्रोफोन। और इसके बारे में बात करते हैं। और ये माइक मेरे पास आज ही आया है, और मैंने इसका अनबॉक्सिंग की थी, और मैंने आज ही ओपन करके चेक किया। सबसे पहले मैंने इसका वोकल चेक किया था, इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, क्योंकि मैं हूँ लाइव सिंगर। आई हैव अ बैंड हियर इन बैंगलोर एंड वी परफॉर्म ऑल ओवर द बैंगलोर इन द वीकेंड। तो मेरे लिए जो एक मैटर करता है वो माइक का क्वालिटी कैसा है। तो मैं जैसे ही मैंने रिसीव किया ये माइक, और इसका जो मैंने साउंड क्वालिटी सुना, तो गज़ब का साउंड क्वालिटी है। और नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ मैं श्योर के माइक, उससे पहले मैं श्योर के माइक यूज़ करता हूँ, और मुझे लगता था कि श्योर के अलावा कोई माइक है ही नहीं जो इतनी अच्छी क्वालिटी दे सकता है, पर ये जो माइक है श्योर के माइक को टक्कर दे रहा है एज अ साउंड क्वालिटी। तो चलिए देखते क्या है इसके अंदर। वैसे मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया था, फिर भी आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या आता है, कैसे कैसे क्या है, किस तरह का दिखता है माइक। ठीक है, चलिए। तो ये है, इसके साथ में एक 6 मीटर की केबल आती है, माइक केबल, जिसमें एक एक साइड आपका जो फीमेल है, फीमेल वर्जन है, और एक दूसरी साइड है 6.mm का जैक, जो कि ये जो जो केबल है माइक का, ये भी इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। और लास्ट में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि कितना प्राइस का है, कितने रेंज का है, और आप इसको कैसे ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ये माइक होल्डर का, ये माइक होल्डर आ रहा है जो क्लिप है। तो आपको करना क्या है, सिंपली जस्ट जो माइक स्टैंड आता है उसमें खाली इसे अटैच कर देना है, और इसमें माइक लगा देना है। ठीक है, तो ये है हमारा माइक हेडन हेडन BK105, ये है इसका मॉडल नंबर। ठीक है, और ये तो साउंड क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है इसकी, मैंने आज ही देखा और आज ही मैंने ये ट्राई किया। मैं भी कुछ रिकॉर्डिंग करके डालता हूँ आपको, आप इसका क्वालिटी देखना, खासियत है। और सबसे इसका जो साउंड क्वालिटी मुझे सबसे बहुत बेहतरीन लगा, क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं आता। अगर आप नॉर्मली क्या क्या होता है ना, नॉर्मली हम लोग जब किसी स्पीकर के पास, अगर मॉनिटर के पास खड़े होकर गा रहे हैं, तो जरा सा भी माइक अगर मॉनिटर की साइड में माइक किया करते हैं, तो हम लोग एक फीडबैक सुनाई देता है वापस से, और जो 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 साउंड आता है वो बहुत अनबेरेबल है, वो मतलब ऐसा लगता है कि कान फट जाएंगे। तो इसमें तो ये उसको फीडबैक को कैंसिल करता है, फीडबैक इससे बिल्कुल नहीं आता। तो इसलिए इसलिए मुझे इसने मुझे इस माइक की जो क्वालिटी है उसने मुझे वीडियो डालने पर मजबूर कर दिया कि इतने कम रेंज में इतना अच्छा माइक कैसे आ सकता है मार्केट में। तो ये है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, और इसका जो ग्रिप है, होल्ड है, बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ जो जो केबल है, ये फीमेल है, इसको इसमें कनेक्ट करेंगे, और आप आपके पास कोई मिक्सर है जो भी है, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जो पॉइंट है जाएगा आपके मिक्सर में या फिर आपकी डायरेक्ट। इसलिए जो ये जो माइक मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसकी जो साउंड क्वालिटी है, ये जो साउंड क्वालिटी ये टक्कर दे रहा है श्योर के जो माइक आते हैं, PJ58 है मेरे पास वही है। तो मैं उसी के बारे में बता सकता हूँ आपको। और सबसे अच्छी बात है ये पॉकेट फ्रेंडली है। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा अमेजोन से आपको 1500 रेंज। उसमें आपको माइक मिलेगा, आपको ये 6 मीटर की केबल, और जिसकी केबल 6 मीटर की, अगर आप खाली केबल खरीदोगे तो आपको वही 500-600 का केबल आता। चलिए इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, चलिए देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। मैं आपको लाइव डेमो देता हूँ, मैं अपने गिटार के साथ कनेक्ट करता हूँ, और मैं कुछ आपको सुनाता हूँ एक दो लाइन। तो ये मैंने कनेक्ट कर लिया है अपना माइक, जो फर्स्ट चैनल में मेरा माइक्रोफोन है, जो केबल आया था ग्रे कलर का,
और जो उसके बाजू में है वो है मेरा गिटार मिक्सर में, और जो मेरे मुझे जो सेटिंग करनी थी इसमें मैंने जो कर ली है ऑलरेडी। और चलिए देखें, ये देखिए मैंने अपना माइक ऑन किया, और मैं बता रहा था ना कि अगर ये मेरा जो स्पीकर है इसके जो जो दूरी है हार्डली 2 मीटर होगी। और देखिए नॉर्मली हम लोग जब भी अगर किसी माइक को अगर हम लोग स्पीकर की तरफ करते हैं, फेस करते हैं, तो उसमें साउंड आता है, फीडबैक आता है, पर ये जो माइक है इसमें कुछ नहीं होता। देखो और मैं गा के सुन, हेलो चेक चेक हेलो, ये देखिए तो आप सुन सकते हो मेरी आवाज़ थ्रू स्पीकर। तो ये जो साउंड क्वालिटी है, ये एक्चुअली जो साउंड क्वालिटी है इस माइक की है, और बेहतरीन माइक है। और इसमें आपको इसमें एक खास बात ये भी है कि इसमें जो मैंने बेस है मैंने बहुत कम रखा है, और उस कम में बेस में इसमें ये बहुत अच्छी जो डायनेमिक है इस माइक के, आप बोलोगे तो इतना अच्छा लगेगा आपको कि ऐसा लगेगा कि आप बोलते जाओ। तो ये मैं बता रहा हूँ कि अभी जो ये रेंज में आ रहा है जो माइक 1500 से 2000 की रेंज में है, और आज तो मैंने देखा आज तो और सस्ता मिल रहा है अमेजोन पे। अगर आप आज 1-2 दिन में लेते हो तो ये मिल जाएगा आपको 1100-1200 रुपये में। पर आने वाले समय में ये मैं गारंटी किसी के साथ कह सकता हूँ ये ही माइक फ्यूचर में ये माइक बिकने वाला है 3-4000 रुपीज़ का, क्योंकि इसमें कॉर्ड आती है और ये माइक की जो क्वालिटी है 100% ये इसका जो सेल है बहुत ऊपर जाएगा इस माइक का। और चलिए मैं बाकी मैं आपको गिटार के साथ कुछ सुनाता हूँ मैं कुछ लाइव। हेलो गाइस, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस माइक, सो यू कैन फील द साउंड क्वालिटी ऑफ माइक, द डायनेमिक्स ऑफ दिस माइक एंड यू कैन फील द साउंड। तो बेसिकली क्या है कि मैं 4 दिन से लगातार कंटिन्यू बैक टू बैक शो थे मेरे, और जो कल लास्ट शो था मेरा, उसके बाद मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है, फिर भी ये जो माइक है और मेरे जो गले को है इतना सपोर्ट कर रहा है कि मैं इतना दूर से गा रहा हूँ और मैं एफर्टलेस बोल रहा हूँ जबकि मेरा गला बैठा हुआ है। और तो एक माइक का जो अच्छे जो साउंड क्वालिटी का जो माइक होता है उसको यही उसकी क्वालिटी माइक की होनी चाहिए कि वो सिंगर को सपोर्ट करे, जो सिंगर है वो एफर्टलेस गाए, उसको जोर न लगाने पड़े, स्पेशली द हाई नोट्स और जो लो नोट्स होते हैं वो एक्चुअली। और इस माइक की सबसे मैंने खास बात बताई थी आपको कि ये ना ये बूम नहीं करता, मतलब जैसे ही कभी कभी ना क्या होता है आप गाते गाते लाइव में क्या होता है कि आप गलती से जो आपका जो माइक है वो स्पीकर की तरफ फेस हो जाता है, स्पीकर की तरफ ले जाते हैं तो एकदम से साउंड आता है जो कि जो बूम का साउंड होता है जो वो जो कि बहुत ही अनबेरेबल है, जो एकदम कान ऐसा लगता है कि क्या कर दिया। तो वो इस माइक के साथ नहीं है, मैंने आपको दिखाया था कि सामने करके माइक के सामने की, तो इसलिए माइक मुझे बहुत अच्छा लगा। और पॉकेट फ्रेंडली है, और मैं ऐसे ऐसे आपके सामने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऐसे म्यूजिकल की चीज़ें लेके आता हूँ जो कि एक एक यू नो एक एक छोटे छोटा सिंगर है जिसका मन है गाने का, कुछ बनने का या कुछ, पर उनके वो रह जाते हैं अपने यू नो बजट के, उनके बजट नहीं होता उनका, उनका कभी कुछ कुछ प्रॉब्लम आती है, और अगर बजट कम भी होता है तो उसमें जो साउंड क्वालिटी है वो नहीं मिलती है उनको। तो ये मैं वीडियो बनाता हूँ उन लोगों के लिए जो जो देखते हैं कि जो एक कम किफायती में कम पैसों में एक अच्छा चीज़ मिल जाए और अच्छी क्वालिटी का चीज़ मिल जाए, स्पेशली फॉर सिंगर्स। और चलिए देखते हैं। जब